सबसे पहले मिस्टर स्पीकर, हम पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अदारे अगर ये मुस्तहकम रहेंगे तो ये ऐवान बाकी जो जिंदगी है वो चलती रहेगी। तो सबसे पहले पाकिस्तान। मिस्टर स्पीकर, ये एक र्यूमर चल रहे थे कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीजें, तो इसमें कुछ ऐसे मोड़ आए कि लग यही रहा था कि खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो आज जितने यहां पे पार्टीज बैठी हुई है, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकाला। ये शुक्र है अल्लाह का। मिस्टर स्पीकर, हम अगर ये सोचें, बहुत हुआ 75 साल में, बहुत हुआ। हम अपनी सियासत भी करें, हम पार्टियों को मजबूत भी करें, लेकिन उसके साथ साथ मिस्टर स्पीकर, हमने अपने 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम के लिए अब सोचना होगा। आए मिलके जो और हमारे लिए मसाइल है, मुश्किलात है, हम अपने जवान बच्चों के लिए सोचें, हम अपने यूथ के लिए सोचें कि हमने उसके लिए करना क्या है। अगर हम इस लड़ाई में पसे रहे, अपने हाना में पसे रहे, तो शायद फिर हम वो टारगेट अचीव ना कर सके। हम हेल्थ की तरफ देखें, हम एजुकेशन की तरफ देखें, हम ज़राअत की तरफ देखें, हम खारजा पॉलिसी की तरफ देखें, हम दाखिला पॉलिसी की तरफ देखें। ऐसी चीजें मिस्टर स्पीकर जिसे हम मुल्क को मजबूत कर सकते हैं। 25 करोड़ आवाम इन्हीं ऐवानों को देख रही है, उनकी उम्मीदें यहां से वाबस्ता है। जो कुछ हुआ वो हुआ। आए मिलके हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, इस मैशियत को हम मजबूत करें। मिस्टर स्पीकर, जो अमेंडमेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से आई सामने, इसमें तमाम पार्टियां बैठी हुई थी और इसमें तकरीबन 6-7 मीटिंग्स हुई है। हमारे चेयरमैन सादिक आया साहब की सरबराई में मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने बहुत शाइस्तगी से इस कमेटी को चलाया है, और मैं तमाम कमेटी के मेंबर्स को भी अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ऐसे अमेंडमेंट जो पहले बातें होती थी कि रिगिंग होती है, मुश्किलात है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि इस कमेटी ने वो तमाम ऐसे इकदाम उठाए हैं कि हमारे मुश्किलात खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये यकीन से हम कहते हैं कि इसमें हम बेहतरी लाए हैं। जो अवाम का होगा या कैंडिडेट का हक होगा या जो पार्टियों का हक होगा, तमाम पार्टियां स्टेक्स रखती है मिस्टर स्पीकर, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ। इस पे हर नुक्ते पे, हर एजेंडे पे तकरीबन घंटा घंटा इस पे हमारी बहस हुई है। काफी इसमें हमने एक दूसरे पे काफी हद तक इन चीजों को हम लोगों ने सॉल्व किया मिस्टर स्पीकर, और इंशाल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने बलूचिस्तान के अवाम के लिए, पंजाब के अवाम के लिए, और सिंध के अवाम के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, सबके लिए उन्होंने अपने एक रोल प्ले किया और एक अच्छे अमेंडमेंट आई है। मैं एक बार फिर आप तमाम इन जो कमेटी के मेंबर थे, हमारे चेयरमैन साहब थे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं।